यूनिट 4 का आपका पहला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक माने जाते हैं आपके तो बी एफ स्किनर माने जाते हैं। बी एफ स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय किस विश्वविद्यालय में कार्यरत रहकर किया था, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत के आधार पर विकसित हुआ था आपका, तो क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन सिद्धांत पे आपका ये आधारित है। कौन सा अभिक्रमित अधिगम, रेखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक आपके कौन हैं, तो याद रखिएगा बी एफ स्किनर। यही अगर आपसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पूछा जाए तो उसके नॉर्मल है क्राउडर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रम में प्रयुक्त पुनर्बलन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के कौन से अधिनियम से मेल खाता है आपका, तो संतोष का नियम या प्रभाव का नियम। छोटे छोटे पदों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जा सकता है, तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन से आपका नहीं किया जा सकता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक आपके कौन है, तो नॉर्मन क्राउडर है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसमें छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है, याद रखिएगा। शाखीय अभिक्रम में गृहपृष्ठ का कार्य होता है आपका, तो निदान और उपचार के लिए। अवरोही अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक आपके कौन है, तो याद रखिएगा थॉमस एफ गिलबर्ट। किसके हैं, तो अवरोही अभिक्रमित अधिगम के। कैसे याद रखोगे कि जब भी आप गिलबर्ट को ऐसे याद रखो, जब भी आप गिलहरी को देख लेते हो तो वो क्या करती है, अवरोही की ओर भागने लगती है, मतलब नीचे की ओर भागने लगती है, ऐसे याद रख लेना। सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है, तो मैथमेटिक्स और रेखीय अभिक्रम में। देखिए, अगर अभी तक आपने टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की पेड पीडीएफ नहीं ली है तो ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, 650+ एमसीक्यूज इवन। और दूसरे पीडीएफ में क्या, अगर आप एमसीक्यूज मिला दो तो ये मान लो 800 एमसीक्यूज लगभग मिलेंगे आपको, साथ में वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे कुछ वन लीनियर पॉइंट्स भी, है ना, और सारी जितनी भी डेफिनेशन है वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने ले लिया है उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो आप अपना पढ़ते रहिएगा, और बाकी ये जो मैंने क्लासेस करवाई हैं इनको भी ज़रूर पढ़ लीजिए। जितनी आज क्लासेस हुई हैं आज की सारी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, और जितना भी पेड कंटेंट दिया है वो पढ़ लीजिएगा, बाकी पहले तो आप हमारे से बुक से पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है आपका, तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। अंतिम अनुक्रिया सबसे पहले करनी होती है, तो किसमें, मैथमेटिक्स में। अब देखिए, इसके जस्ट बाद में एक आपको हम पेड कंटेंट के लगभग 300 क्वेश्चंस करवा देंगे यहीं यूट्यूब पे ही, और बाकी के लिए सॉरी फॉर डैट, वो तो आपको लेना, अगर पीडीएफ है तो आप अपना ले सकते हैं पीजी पॉइंट एप्लीकेशन से, है ना। कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी आपका क्या है, तो अवरोही अभिक्रम उपयोगी है। सीखने में स्वागति के सिद्धांत का पालन किया जाता है, तो कभी शाखीय अभिक्रम, रेखीय अभिक्रम और अवरोही अभिक्रम में। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो थॉमस गिलबर्ट को जाता है। मैथमेटिक्स शब्द यूनानी शब्द के मैथिन से निकला है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, तो लिखना। शाखीय अनुदेशनों में पृष्ठों का रूप कैसा होता है आपका, तो त्रुटि पृष्ठ और गृह पृष्ठ के रूप में होता है। मॉडल के समूह को क्या कहते हैं, तो मॉडल के समूह को डायोरामा कहते हैं। उसके बाद में आपका अंकों के चित्र रूपीय प्रस्तुतीकरण को क्या कहा जाता है, ग्राफ। किसी वस्तु की आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है आपका कट अवे मॉडल। उसके बाद में क्या है, निम्न में से क्या द्विआयामी शिक्षण सामग्री है, तो चार्ट जो है वो आपका द्विआयामी शिक्षण सामग्री है। उसके बाद में अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहा जाता है आपका, तो आत्म अनुदेशन विधि, स्वतः अनुदेशन विधि और आपका आत्म सुधारात्मक विधि, ये सभी कहा जाता है। अनुरूपण के संदर्भ में क्या सही है, यानी सिमुलेशन के संदर्भ में आपका क्या सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अनुरूपण एक प्रशिक्षण प्रविधि है। इसका प्रयोग शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। ये प्रविधि एक भूमिका अभिनीति करने की प्रविधि है। इसका प्रयोग कक्षा शिक्षण अभ्यास से पहले किया जाता है, ये भी बात सही है। उसके बाद में इस प्रविधि के अंतर्गत छात्र, अध्यापक, शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही एक कार्य करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अनुरूपण शिक्षण का लाभ क्या है आपका, तो अनुरूपण शिक्षण का लाभ है कि भाई इसके द्वारा छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक को विभिन्न भूमिकाएँ निभाने का अवसर प्राप्त होता है। इसके द्वारा छात्र अध्यापकों को पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक प्रदान किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में क्या है, देखो उपर्युक्त सभी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ज़रा, अनुरूपण शिक्षण की विशेषता आपकी क्या नहीं है पूछा गया, तो इसका उपयोग कक्षा शिक्षण प्रारंभ होने से पहले पूर्व अभ्यास के रूप में किया जाता है, तो ये नहीं है। इस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है, तो ये भी नहीं। उसके बाद इस प्रविधि आपके छात्र अध्यापकों के शिक्षण कौशल के लिए अभ्यास प्रभावी रहती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।
भारत में सर्वप्रथम किस सन में कार्यक्रमित अनुदेशन का श्री गणेश हुआ था? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सन 1963 में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेस लर्निंग IAPL की स्थापना कब हुई आपकी? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 1966 ईस्वी में। कार्यक्रमित अनुदेशन का महत्व आपका कैसा है? तो इसमें अनुदेशन सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा अनुदेशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छात्रों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। रैखिक कार्यक्रम अनुदेशन का पद भाग क्या है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। रैखिक कार्यक्रमित अनुदेशन में पदों का प्रकार आपका कैसा है? तो अभ्यास पद, प्रस्तावना पद तथा शिक्षण पद और परीक्षण, ये सभी। कार्यक्रमित अनुदेशन की विशेषता क्या नहीं है आपकी? तो ये स्वतः अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत नहीं करते, ये आपकी इसकी विशेषता नहीं है। शिक्षण मशीन की विशेषता क्या नहीं है आपकी? तो ये छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करती है, ये नहीं है। शिक्षण मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है आपकी? तो शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं ये शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को उपयुक्त अनुभव प्रदान करता है। शिक्षण प्रतिमान का आधार शिक्षण सूत्र होते हैं। शिक्षण प्रतिमान का निर्माण वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर विभिन्न धारणाओं के अनुसार किया जाता है। तो उपयुक्त सभी सही है। शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है पूछा गया? तो इसमें सभी मौलिक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता, ये एकदम आपका क्या है, विशेषता नहीं है। शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता क्या नहीं है आपकी? तो ये किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता नहीं करता है। शिक्षण प्रतिमान का मौलिक तत्व आपका क्या है? तो सामाजिक प्रणाली, उद्देश्य तथा संरचना और मूल्यांकन प्रणाली, ये सभी है। शिक्षण प्रतिमान का प्रकार आपका कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, ये सभी। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान का रूप नहीं है, क्या रूप नहीं है आपका? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है वो दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान का रूप नहीं है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान नहीं है, क्या नहीं है? तो सामाजिक अंतः प्रक्रिया स्रोत पर आधारित प्रतिमान नहीं है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान इनमें से कौन सा नहीं था? तो सामाजिक अंतः क्रिया स्रोत पर आधारित प्रतिमान नहीं है, ठीक है। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का रूप क्या नहीं है आपका? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। विद्यालय अधिगम का शिक्षण प्रतिमान जो है वो नहीं है। बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान विकास सन 1962 किया था किसने? रॉबर्ट ग्लेसर ने। कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान का विकास किया किसने किया? तो आपका लॉरेंस स्टोलरो एवं डैनियल डेविस ने। विद्यालय अधिगम के शिक्षण प्रतिमान का विकास किया था किसने? तो जॉन कैरोल ने। फ्लैंडर ने कक्षा व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा था? तो 10 वर्गों में बांटा था। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान का विकास किया था तो नेड एक फ्लैंडर ने किया था। ब्रूस आर जायस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत शिक्षक प्रतिमानों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 4 वर्गों में बांटा है। सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत का प्रतिमान आपका कौन सा? तो सामाजिक प्रक्षर प्रतिमान, जूरिस फाउंडेशन तथा प्रयोगशाला वृद्धि प्रतिमान, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अनुदेश व्यवस्था का संबंध आधुनिक कौशल तथा प्रविधियों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के प्रयोग करने से है। इसके अंतर्गत वे सभी विधि साधन वातावरण सम्मिलित किए जाते हैं जो अधिगम को सुगमता एवं सरलता प्रदान करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन अनविन का है। अनुदेश व्यवस्था का प्रकार नहीं है आपका, तो क्या नहीं? तो शिक्षण मनोज्ञान नहीं है। मूल्यांकन का प्रकार आपका क्या है? तो स्थापना तथा निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। मूल्यांकन द्वारा किसमें आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किया जा सकता है? परीक्षा एवं परीक्षण में, शिक्षण में और पाठ्यक्रम में। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। इसी के बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 आपका। मूल्यांकन में निहित महत्व आपका क्या? तो उपर्युक्त सभी, यानी कि बालक में निहित योग्यताओं के संबंध में जानकारी, उद्देश्य प्राप्ति की सीमा के संबंध में जानकारी, छात्रों को उपलब्धि के संबंध में जानकारी, उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा। किसने परिभाषित किया कि भाषा प्रयोगशाला एक कक्षा कक्ष है जिसमें विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं? सामान्यतः ये प्रकार साधारण व्यवस्था में इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा AS हियर। भाषा प्रयोगशाला का सर्वप्रथम विकास हुआ था आपका तो अमेरिका में हुआ था। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में क्या सही है आपका? तो इसका प्रयोग भाषा शिक्षण के एक अच्छे उदाहरण के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। ये भाषा शिक्षण की व्यक्तिनिष्ठ नूतन तकनीक है, ये भी सही है। ये एक विशेष कक्ष होता है जिसमें अनेक श्रव्य व दृश्य उपकरण होते हैं, तो ये भी सही है। भारत में भाषा प्रयोगशाला सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई है आपकी? तो IIT खड़गपुर में। भाषा प्रयोगशाला में एक समय में कितने छात्र कार्य कर सकते हैं? तो याद रखिएगा 16 छात्र कार्य कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला की विशेषता आपकी क्या है? तो स्वागति, पुनरावृत्ति, भौतिक चुनाव व आश्वासन। भाषा प्रयोगशाला का गुण नहीं है, क्या नहीं है? तो इसमें छात्रों की अंतःक्रिया का समय पर्याप्त नहीं पड़ता है।
भाषा प्रयोगशाला की सीमा है आपकी, तो भाषा प्रयोगशाला की प्रविधि महंगी है। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक एवं छात्र के मध्य स्वाभाविक संपर्क नहीं हो पाता है, यंत्रों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। इसमें शिक्षक एक समय में एक ही छात्र को निर्देश दे सकता है, तो उपर्युक्त सभी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या है कि पूर्व अधिगम के माध्यम से वर्तमान अधिगम को सकारात्मक सुविधा, उदाहरण के लिए जोड़ गुणा में मदद करता है, अधिगम के इस प्रकार के स्थानांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अनुक्रमिक कहा जाता है। सूचनाएं संप्रेषण करता है, सूचनाएं संप्रेषण करता से गहनकर्ता प्राप्त करता है, इसे तकनीकी को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है आपका, तो यांत्रिक संप्रेषण है। परिणामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, तो प्रदा कहलाता है। गैलन मिथियां जिनका प्रयोग शिक्षक शिक्षण अथवा अनुदेशन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है शिक्षण आवयू। उच्च स्तर की ज्ञानात्मक क्षमता के विकास हेतु किस आवयू का प्रयोग किया जाता है, तो वाद विवाद का। उसके बाद में प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र अध्यापक एक छोटे प्रकरण को अभिनय द्वारा पढ़ाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो भूमिका निर्माण के नाम से। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कितने होते हैं, तो चार होते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था, तो लॉरेंस व डेविस ने। विकासात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है आपके, तो जीन पियाजे हैं। अभिक्रमित स्वाध्याय विधि के जनक आपके कौन है, तो B.F. स्किनर है। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था आपका ऑप्शन ए आकाशवाणी। नेक्स्ट, विद्यार्थी को वातावरण आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है, तो अवलोकन। प्रश्नों के माध्यम से बालक के मस्तिष्क में क्रियाशीलता बनी रहती है, उच्च चिंतन स्तर को बढ़ावा मिलता है, अर्जित ज्ञान का पता चलता है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगी। प्रस्तावना का मूल आधार आपका क्या है, तो अधिगम सामग्री, विशिष्ट उद्देश्य और समस्या मूलक प्रश्न, ये सभी सही हो जाएगा। पाठ योजना के 5 सोपान यानी पंच पदों की प्रस्तुत किया किसने किया, तो हर्बर्ट ने। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल के प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए, तो उपयुक्त सभी यानी कि दैनिक पाठ योजना का, इकाई पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना, इन सभी का। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक आपके कौन है, तो इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक आपके मॉरिसन है। इकाई शिक्षण का मुख्य तत्व आपका क्या होता है, तो इसका मुख्य तत्व होता है पूर्व ज्ञान। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ब्राइमर ने। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डर, CCTV, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत है, जिसे आप हार्डवेयर से संबंधित होती है। द्वितीय सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है, और तृतीय आपकी किससे संबंधित होती है, प्रणाली उपागम से। ठीक, एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो अध्यापक से। उसके बाद में क्या है कि संप्रेषण किसके अंतर्गत व कितना देना है, ये किस कारण देना है, ये संप्रेषण का क्या है, प्रारूप है, माध्यम है, स्रोत है, सामग्री, तो ये संप्रेषण का प्रारूप है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का विनिमय है, ये कथन किससे है आपका, तो ये कथन है आपका प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, है ना। बालक का सर्वांगीण विकास से संबंधित है ये। वेट फॉर अ मिनट, ये कुछ हो गया ना, हाँ रुको एक मिनट। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का विनिमय है, ये कथन आपका किसका है, तो देखो इधर दिया हुआ है, ये कथन है आपका न्यूमैन तथा समर का। अध्यापक को निम्न में से महत्व देना चाहिए, किसका, तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण का करने का। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं आपके, तो देश में विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। शिक्षण क्या है आपका, तो शिक्षण एक कौशल है, क्या है, एक कौशल है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, तो ए और बी यानी कि दोनों, शिक्षा के उद्देश्यों को भी और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को भी। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं, कैसी आशा करते हैं, तो निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की, है ना। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, आत्मसंतोष की भावना। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी आपके फ्रॉबेल ने। विद्यालय में खेलों के आयोजन के का उद्देश्य होता है छात्राओं में किसी कार्य में लगाना, शरीर का हष्टपुष्ट बनाना, या फिर आपका ऑप्शन सी है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बालक के सर्वांगीण विकास करने के लिए। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो उद्देश्यहीन शिक्षा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है आपकी, मनोवैज्ञानिक है, है ना।
आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है आपका, तो स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि छात्रों के अनुशासन के प्रति निष्ठा हो, ठीक है। उसके बाद में देखो जरा, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक, क्या कि अध्यापक के शिक्षण में कमी। अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनका आचरण में गिरावट, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है क्या कि दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए? मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दिया, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? तो न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। छात्रों में आज सामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार क्या है? अपनंतु की बुरी संगत में स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों, उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियों सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है आपका? तो अवश्रेणीय शिक्षण है। स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा वाक्य विन्यास महत्वपूर्ण है आपका? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण महान, ठीक है। फिर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 114, सूक्ष्म शिक्षण में के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 36 मिनट। मॉरिसन ने अपने शिक्षण प्रतिमान में 5 चरणों को बोध के स्तर पर वर्णित किया है, जो कि आपके कौन कौन से हैं? तो कैसे हैं भैया? देखो, पहले व्यवस्था, फिर है आपका प्रस्तुतिकरण, फिर है आपका आत्मसातकरण, फिर नहीं, सबसे पहले देखो है अन्वेषण, अन्वेषण के बाद में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद में आपका आत्मसातकरण, उसके बाद में व्यवस्था और उसके बाद में अनुवाचन, ठीक। फिर देखो, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है आपकी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन बी, प्रस्तुति कौशल। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे बच्चे को परामर्श प्रदान करनी चाहिए। कौन FICCC के साथ मूल रूप से संबंधित है? तो फ्लैंडर डैश एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणामों, शिक्षण का विवरण, सीखने की रणनीति और गतिविधियों और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। तो क्या हो जाएगा आपका? इकाई और पाठ योजना। बार बार बच्चों को या तो सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल विज्ञान को कम करता है। एक जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। आजकल अधिकतर विद्यालय में सजातीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, तो किस पर? ऑप्शन सी, योग्यता स्तर पर। उसके बाद में पोर्टफोलियो, प्रत्येक बच्चे के लिए आवंटित एक फाइल फोल्डर पॉकेट या स्थान है जहां पर एक बच्चे के द्वारा किया गया वास्तविक कार्य समय की अवधि के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति है? तो प्रदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत नहीं है आपका? तो अभिधारणा का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण में प्रयुक्त रणनीति नहीं है आपकी? तो ऑप्शन सी, मूल्यांकन। निम्न में से इनमें से प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण कौन सा है आपका? तो व्यक्तिगत अधिगम। नेक्स्ट है, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे आप? तो ऐसे कार्य निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। छात्रों की समालोचनात्मक सोच कौशल के विकास को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर किस शिक्षण रणनीति को अपनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्ष या विपक्ष पर बहस करने के लिए छात्रों के सामने कथन प्रस्तुत करने, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हमारे सबसे महान प्रधानमंत्री थे, इस तरीके से। अब देखिए जरा, यहाँ से होती है फाइनली आपकी ये पूरी कितनी भैया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 पूरी कंप्लीट, ठीक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना, और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर अभी भी आपको ये PDF
पढ़नी है तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ करके वहाँ पर फाइल्स के सेक्शन में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन का नाम भी आपका पीजी पॉइंट है, जहाँ पर आपको तकनीकी परिप्रेक्ष्य की मात्र 25% डिस्काउंट पे ₹50 में एक PDF अवेलेबल है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पे बनाई गई है, है ना। तो एक बार आप वो PDF अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और बाकी वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट, है ना, हु आर गोइंग फॉर गिविंग देयर एग्ज़ाम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कल आपको सोना नहीं है, मान लीजिए कल आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एकदम कवर अप करनी है, सारी EVS वगैरह प्रॉपर जैसे आज ये किया है वैसे ही, है ना। तो एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए, करेंगे सेशन को यहीं सेंड। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।